ओल्ड बुक में एपी यानी समांतर श्रेणी का वीडियो नंबर 2। हम क्वेश्चन 5 से स्टार्टिंग करेंगे, एक्सरसाइज 4A। ठीक है, 4A का क्वेश्चन नंबर 5 है, में कितने पद हैं। 5A का ए पार्ट 4, 7, 10, 13, 2, 148 में कितने पद हैं। पदों की संख्या फाइंड करना, कितने पद हैं, यानी ए इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू 7, माइनस का 4 इक्वल टू 3, अंतिम पद लास्ट टर्म यानी कि 188। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको फाइंडिंग करना एन, पदों की संख्या। ठीक है, बाकी सब दिया है, 148, 118 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो 144 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 144 बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1, 3 चौक 12, 2 3 8 24 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 49। तो कितने पद हुए इसमें, 49 पद होंगे। ठीक है, 49 पद। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है 5, 10, 15, 20, 25, 100 में कितने पद हैं। ए इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू 10 माइनस का 5 इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 100। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 100 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो 100 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, एंड 95 इक्वल टू 5 एन माइनस का 5, 95 प्लस का 5 इक्वल टू 5 एन, तो 100 इक्वल टू 5 एन इक्वल टू 100/5, एन इक्वल टू 20, यानी कितने पद हुए, 20 पद होंगे। ठीक है, पार्ट नंबर सी 0.50, 0.53 एंड 0.56, 1.1 में कितने पद हैं। ए इक्वल टू 0.50 एंड डी इक्वल टू 0.53 माइनस का 0.50, डी इक्वल टू 0.03 एंड एल इक्वल टू 1.1। एल इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का 1.1 इक्वल टू 0.50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का 1.03, 1.1 माइनस का 0.50 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 0.03। सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, 1.10, 1.5006 यानी कि 0.60 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 0.3 60/3 इक्वल टू एन माइनस 1 यानी कि 20 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 21। ठीक है, तो कितने पद होंगे इसमें, 21 पद होंगे। सी पार्ट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की ओर। पार्ट नंबर डी है 3/4, 1 एंड 1 सही 4/3 में कितने पद हैं। डी ए इक्वल टू है 3/4 एंड डी इक्वल टू 1 माइनस का 3/4 यानी कि 4 माइनस का 3/4 इक्वल टू 1/4 एंड लास्ट सम एल इक्वल टू 3। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 इक्वल टू 3/4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/4। तो 3 माइनस का 3/4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1/4। 4 LCM 12 माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो एन इक्वल टू 10, तो इसमें पद हुए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ओके हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। 6 का ए पार्ट है ए प्लस 1 4, 3A, 3A एंड 4A प्लस 2 ए पी में है, तो ए बराबर क्या होगा, एंड इसके 5 पद भी ज्ञात कर लें। इसे कैपिटल ए मान लेता हूँ, इसे कैपिटल बी, इसे कैपिटल सी, यानी ए बी सी आर इन ए पी। तो 2B इक्वल टू होता है ए प्लस सी, 2B की जगह 3A इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस सी का मान है 4A प्लस 2, यानी 6A इक्वल टू होगा 5A प्लस 3 यानी 6A माइनस का 5A इक्वल टू 3, तो A इक्वल टू 3। तो पहला पद आ जाएगा A प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3A तो 3 इंटू 3 तीन दिया 9, आ गया है 4A प्लस 2 यानी 4 इंटू 3 प्लस 2 12 प्लस 2 यानी कि 14। तो श्रेणी हो गई हमारी 4, 9, 5 का अंतर है, फिर 14, 5 का अंतर है 19, फिर 5 जोड़ देंगे 24। ठीक है, यानी 5 पद इस प्रकार आ जाएंगे। ये था ए पार्ट 6 का। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही बी पार्ट की ओर। 6 का बी है k प्लस का 2 एंड 4k-6 एंड 3k-2 ए पी में है। k की वैल्यू फाइंडिंग करना है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, यानी कि 2b बराबर आएगा a प्लस सी। बी का मान है 4k-6 इक्वल टू a का मान k प्लस 2 प्लस c का मान है 3k-2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 8k-2 12 इक्वल टू 4k होगा, 8k-4k इक्वल टू 12, तो ये बन जाएगा 4k इक्वल टू 12 एंड k इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। ठीक है,
के का ही मान यहाँ पे बताना था, के का मान फाइंडिंग हो चुका है। अब आते हैं इसके सी पार्ट से, ए ए प्लस फोर एंड थ्री ए एपी में है, तो ए का वैल्यू फाइंडिंग करना है, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, एंड एपी में है तो टू बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी, बी का मान ए प्लस फोर, ए का मान ए प्लस सी का मान थ्री, यानी कि टू ए प्लस एट इक्वल टू फोर ए, तो एट इक्वल टू फोर ए माइनस का टू ए, तो एट इक्वल टू आएगा टू ए एंड ए इक्वल टू फोर, ठीक है। ए की ही वैल्यू यहाँ पे केवल हमको फाइंड करनी थी।